हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 461 से 475 तक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 461 में पूछा है द शियर फोर्स डायग्राम शोन इन द फॉलोइंग फिगर इज दैट ऑफ। तो ये शियर फोर्स डायग्राम दिया गया है फ्रेंड्स, शियर फोर्स डायग्राम दिया गया है। तो ये इसके लिए पूछा गया है कि ये किस टाइप की बीम के लिए होगा और किस टाइप का लोड लगेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, एक एक से करके देखते जाएंगे। फ्रीली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल पॉइंट लोड अबाउट मिड स्पैन। तो ये अपन जानते हैं फ्रेंड्स कि जब पॉइंट लोड लगता है तो क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। शियर फोर्स के लिए रेक्टेंगल रहता है यहाँ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रेंगुलर स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन कब रहेगा, जब हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा होगा यहाँ पे। इसमें कहीं पे भी इसके बीच में हमारा क्या लगेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा और ये हमारे पॉइंट लोड रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं शियर फोर्स, अगर कोई बीम है हमारी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इसके ऊपर क्या है, पॉइंट लोड लग रहा है, ओनली पॉइंट लोड लग रहा है, तो शियर फोर्स डायग्राम में वो हमारा इस तरीके से बनता है। अगर इसके ऊपर यूडीएल लगता है तो यूडीएल में कैसा बनता है, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा ट्रायंगुलर, ठीक है। और जब यूबीएल लगेगा तो ये कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा क्या होता जाता है, एक हायर ऑर्डर बढ़ता जाता है। जैसे अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो पॉइंट लोड पे हमारा कैसा बनता है, ट्रायंगुलर बनता है इस तरीके से, ठीक है। अगर इसमें यूडीएल लगेगा तो ये पैराबोलिक हो जाता है, और यूबीएल लगेगा तो ये कैसा हो जाता है, हाइपरबोलिक, ठीक है। इस टाइप से अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलर टाइप का है, स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगुलर टाइप का है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यूडीएल लगेगा मिड स्पैन में, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेंगे, पॉइंट लोड लगेंगे। तो इस टाइप का ऑप्शन देखते हैं अपन, फ्रीली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल पॉइंट लोड अबाउट मिड स्पैन। तो इसमें क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, फ्रीली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अबाउट मिड स्पैन। मिड स्पैन पर क्या लग रहा है, हमारा फ्रीली सपोर्टेड बीम है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये किसका होगा, फ्रीली सपोर्टेड बीम का है। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहाँ लग रहा है, मिड स्पैन पे, मतलब क्या होगा, इस तरीके से बनेगा हमारा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, यहाँ पे फ्रीली सपोर्टेड हो गई, और यहाँ मिड स्पैन पे क्या होगा हमारा, ये यूडीएल लगेगा। तो इस तरीके का डायग्राम हमारा लोड डायग्राम रहेगा, लोड डायग्राम से हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा। अगर लास्ट वाले ऑप्शन भी देखें तो कैसे, सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट लोड, इसमें क्या कर रहा है, पॉइंट लोड, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें लास्ट वाले में क्या कर रहा है, वेरिंग लोड, बेरिंग लोड के लिए क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 462। ए सर्कुलर शाफ्ट कैन ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 5 किलो न्यूटन मीटर इफ़ द टॉर्क इज रिड्यूस टू 4 किलो न्यूटन मीटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट इज। तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक सर्कुलर शाफ्ट है इस तरीके से फ्रेंड्स, ठीक है, एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है और टॉर्क भी लग रहा है इस तरीके से, टॉर्क अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें टॉर्क भी लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, तो इसके लिए जो इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, इक्वेलेंट, अगर टॉर्क निकाला जाएगा तो इक्वेलेंट टॉर्क हमारा निकलता है अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर। तो टी स्क्वायर यहाँ पे इक्वेलेंट टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू दी गई है 5, और जो टॉर्क है ये वाला टी है उसकी वैल्यू कितनी है, रिड्यूस हो गया, तो वो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इससे अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, एम की वैल्यू आएगी हमारी 3 किलो न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 463। रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला फॉर बकलिंग इज वैलिड फॉर। तो रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला के लिए अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं अच्छे से, ये क्या होता है, इट इज अन एम्पेरिकल फार्मूला यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट लोड बोथ फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, दोनों के लिए यूज किया जाता है ये, शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम के लिए। तो ये क्रिपलिंग लोड होता है, रैंकाइन क्रिपलिंग लोड क्या होता है, सिग्मा सी इंटू में ए अपॉन में 1 प्लस ए इंटू में एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर। ए क्या होता है यहाँ पे, रैंकाइन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू थी सिग्मा सी अपॉन में पाई स्क्वायर ई। तो ये किसके लिए यूज होता है, दोनों के लिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 464। इसमें पूछा है
ए रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट एम वेरिंग अलोंग द लेंथ इज रिक्वायर्ड टू डेवलप सेम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ये बोल रहा है एक बीम है जो क्या है, जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, वो क्या कर रहा है, बैरी कर रहा है अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग क्या कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट बैरी कर रहा है, लेकिन इसमें जो क्या है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या है हर एक सेक्शन पर सेम है, मतलब यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस हो गई, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ बीम हो गई, जो यूनिफॉर्म बीम हो गई यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रहेगी उसकी, हर एक सेक्शन पर क्या है हमारी बेंडिंग स्ट्रेस सेम है, ठीक है। तो इफ़ डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज कॉन्स्टेंट, डेप्थ को क्या किया जाए कॉन्स्टेंट रखा जाए, एंड इट्स विड्थ विल बैरी, और विड्थ को क्या किया जाए बैरी किया जाए, तो इस तरीके से ये क्या होती है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, ए बीम इज सेट टू बी ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ व्हेन बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सेम। तो बीम हमारी क्या कहलाएगी, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट लग रहा है और विड्थ बी होगी डी होगी, इसमें अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट क्या है एम है, तो जेड हमारा जो निकलेगा सेक्शन मॉडुलस क्या निकलेगा बी डी स्क्वायर अपॉन में 6। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि विड्थ को क्या करें बैरी करें और डेप्थ को क्या रखा जाए कॉन्स्टेंट रखा जाए, तो विड्थ हमारी कॉन्स्टेंट है और विड्थ को क्या किया जा रहा है बैरी किया जा रहा है और डेप्थ हमारी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये वेरी कर रही है इस तरीके से। तो इसके लिए जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेस रहेगी वो सेम रहेगी हर एक क्रॉस सेक्शन पर, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन हो गया सेकंड क्रॉस सेक्शन हो गया, तो इससे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ये अपन लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से कर चुके हैं कई बार। तो यहाँ पर बी एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारी, बी इंटू एक्स अपॉन में एल, तो बी एक्स यहाँ से अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन में बी एक्स इंटू में डी स्क्वायर अपॉन में 6, तो ये क्या आ गया 6 एम अपॉन में बी एक्स इंटू में डी स्क्वायर। तो बी एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बी एक्स को इधर ले जाएंगे, तो बी एक्स क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डायमीटर सेम है और ये बिट बी एक्स क्या होगा बिट हमारी क्या करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक में अंडर रूट एम दिया गया तो ये गलत होगा हमारा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 465 देखते हैं, ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट मिड स्पैम डिफ्लेक्ट्स बाय डब्ल्यू, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें पॉइंट लोड लग रहा है कहाँ पे मिड स्पैम पे, तो उस समय जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा बन दिया गया है। इफ द सेम बीम कैरीज द लोड डब्ल्यू सच दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर लेंथ, तो फर्स्ट केस में क्या दिया है सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके से, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पे पॉइंट लोड लग रहा है मिडिल में, और दूसरे केस में क्या दिया सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, तो दोनों केस के लिए क्या है डेल्टा वन, इसके लिए डेल्टा वन है इसके लिए डेल्टा टू है, तो डेल वन अपॉन में डेल टू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है फ्रेंड्स, रेशियो निकालना है। तो देख लेते हैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड के लिए हमारा जो डेल्टा आता है वो कितना आता है पी एल क्यू है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में 48 EI होता है, और ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है UDL लग रहा है, UDL के केस में क्या आता है 5WL4 अपॉन में 384 EI, ठीक है, तो ये हमारा दोनों केस हैं, डेल वन कितना आता है WL की अपॉन में 48 EI और डेल टू जो है वो है हमारा 5WL4 अपॉन में 384 EI, तो WL की वैल्यू कितने के बराबर है W के बराबर है, तो W अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाए 5WL की अपॉन में 384 EI, तो इससे अपन रेशियो निकालेंगे डेल वन अपॉन डेल टू क्या आता है 8/5, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं, इसमें सारे ऑप्शंस गलत दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेना आप लोग आंसर हमारा क्या आ रहा है 8/5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 466, इसमें मैच करना है, ये स्टेट ऑफ स्टेट दी है और इसमें काइंड ऑफ लोडिंग दिया है, तो ये क्या आ रहा था ये इस टाइप का जो केस है वो हमारा क्या कहलाता है प्योर शियर का केस कहलाता है, तो टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, तो ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, टॉर्सन लग रहा है इसमें पूरा प्योर शियर का केस है, ठीक है। सेकंड क्या है ये इसमें क्या लग रहा है ओनली टेंसाइल लोड लग रहा है, तो टाई बार सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, बी का क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है सभी डायरेक्शन में सेम लोड लग रहा है, तो ये क्या होता है थिन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर क्या होता है प्रेशर हमारा क्या होता है सभी डायरेक्शन में सेम लगता है, तो इसलिए ये क्या किसका हो जाएगा सी का होगा थर्ड, और ये क्या है इसमें
बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रही है और ये शियर स्ट्रेस भी लग रही है, कंबाइंड स्ट्रेस लग रही है दोनों, तो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। तो डी का क्या होगा, वन होगा। ए का क्या था, ए का था टू, बी का फोर्थ, यही था, ए का टू टॉर्शन सर्कुलर शाफ्ट और बी का फोर्थ टाई बार सब्जेक्टेड टू टेंशन। तो ये किस में है, ए का टू और बी का फोर्थ, ये किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 467। ए बीम बिल्ट इन एट बोथ एंड्स कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स एंटायर स्पैन एज शोन इन फिगर। विच वन ऑफ द डायग्राम गिव्स वन बिलो रिप्रेजेंट द बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम। तो ये सिंपली वो फिक्सड बीम है, यूडीएल लग रहा है। तो ये अपन लास्ट लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, ये कैसे निकल के आता है। तो यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम बनता है। ये हमारा पहले क्या करते हैं, पहले केस में क्या करते हैं, ओनली पॉइंट लोड लेके बनाते हैं। तो पॉइंट लोड लेके बनाएंगे तो ये हमारा इस तरीके का बनता है। फिर यूडीएल लेके बनाएंगे तो यूडीएल से हमारा ये बनेगा, मूवमेंट लेके बनाएंगे तो ये हमारा ऐसा बनेगा। पहले केस में क्या करते हैं अपन, ये यूडीएल के साथ बनाते हैं तो ये बनता है, और दूसरे में मूवमेंट लग रहा है तो मूवमेंट के केस मूवमेंट के द्वारा बनाते हैं तो ये बनता है। तो दोनों को कंबाइन करके अपन कैसा बनता है, ये डायग्राम हमारा बन के आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 468। एक कैंटिलीवर बीम कैरीज ए लोड डब्ल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर लेंथ इफ द सेम लोड इज प्लेस्ड एट द फ्री एंड ऑफ द सेम कैंटिलीवर देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द फर्स्ट केस टू दैट ऑफ द सेकेंड केस। तो कैंटिलीवर बीम है, इसमें फर्स्ट केस में क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है इस तरीके से, फर्स्ट केस में यूडीएल लग रहा है, सेकेंड केस में पॉइंट लोड लग रहा है फिक्स फ्री एंड पे। तो इन दोनों के लिए डिफ्लेक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ये सिंपली कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड के लिए क्या होता है हमारा, डब्ल्यू एल की अपन थ्री आई। ये अपन कैसे निकालते हैं वो अपन लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से देख चुके हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये पीपीटी लगा दी आपको, याद करना है ये सारी वैल्यूज़। या अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं इसलिए याद ही कर लेना इन फॉर्मूलोज को। तो यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा है कहाँ पे, एंड में। तो इसके लिए जो डिफ्लेक्शन आता है वो हमारा क्या आता है, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में थ्री आई। अगर यू डी एल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो इसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट जो डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन कितना आता है, डब्ल्यू एल फोर अपॉन में एट ई आई। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए क्या है, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में डब्ल्यू एल फोर अपॉन एट ई आई। तो डब्ल्यू एल इक्वल टू किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर है, तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन एट ई आई हो गया। और ये इसके लिए कितना है, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में थ्री आई। तो इससे अपन डेल वन अपॉन डेल टू निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है, 3/8। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 469। फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई लोडेड एट इट्स फ्री एंड बाय ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू, मैच करना है इनकी फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट को। इसमें क्या हो रहा है, एक कैंटिलीवर बीम है इस तरीके से, लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल है, और लोड क्या लग रहा है, कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है एट द फ्री एंड, ये डब्ल्यू लग रहा है यहाँ पे, और लेंथ एल दी है। इस केस के लिए हमें क्या लगाना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, ये डब्ल्यू, अगर एक्स सेक्शन लें अपन तो डब्ल्यू एक्स होगा, और टोटल मैक्सिमम कहाँ होता है इस पे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल। ठीक है, और इसके लिए अपन मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन इसमें देख सकते हैं। ये मैक्सिमम स्लोप क्या होता है हमारा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में टू ई आई, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, डब्ल्यू एल की ओपन में थ्री आई। ठीक है, तो मैक्सिमम लोड ए का क्या हो जाएगा, वन, ए का वन हो गया, और स्ट्रेन एनर्जी और देख लेते हैं क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी अपन निकाल सकते हैं कैसे, यू इक्वल टू होता है ए टू बी एम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपन में टू ई आई एट एक्स एक्स। तो ये एक्स सेक्शन लिया अपन ने, यहाँ पे जो मूवमेंट निकला, बेंडिंग मूवमेंट हमारा क्या है, माइनस डब्ल्यू एक्स, इस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो इससे, और जीरो टू एल क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन में सिक्स ई आई। ठीक है, तो डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन में सिक्स ई आई। तो स्टैंड एनर्जी हमारी क्या हो गई, ये होगी फोर्थ,
बी का क्या होगा फोर्थ, यहाँ पे एल क्यूब आएगा फ्रेंड्स, तो स्टेन एनर्जी बी का क्या होगा फोर्थ, ए का वन बी का फोर्थ, और सी का मैक्सिमम स्लोप कितना था, सी का हो जाएगा टू, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट, डब्ल्यू एल स्क्वायर पॉइंट ई आई ई आई, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट 470, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स, ये दोनों को मैच करना है। टफनेस के बारे में अपन देख चुके हैं, टफनेस क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बिफोर फ्रैक्चर इन अ टेंशन टेस्ट, तो ए का क्या हो गया थर्ड, ए का थर्ड देखते हैं किस में, सी और डी में है, और बी एंड्योरेंस लिमिट भी अपन देख चुके हैं, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होती है, फटीग लोडिंग में होती है साइक्लिक लोडिंग के कारण, तो बी का क्या हो गया फोर्थ, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन का मतलब है रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, और ये अपन देख चुके हैं क्या होती है हार्डनेस, तो सी का क्या होगा टू, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। और डिफ्लेक्शन इन अ बीम, किसी भी बीम में डिफ्लेक्शन अपन किसके द्वारा, मूवमेंट एरिया मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं, तो डी का क्या होगा वन, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 471, इसमें भी क्या करना है, मैच करना है दोनों को, लिस्ट वन में यंग्स मॉडुलस, तो ये यंग्स मॉडुलस ये अपन अच्छे से देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेंगे अभी, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो, तो देखते हैं यंग्स मॉडुलस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, तो इसमें हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो नॉर्मल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो सिग्मा इक्वल टू आता है ई इंटू एप्सिलॉन, ई क्या है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये किसके द्वारा निकालते अपन, हुक्स लॉ के नॉर्मल स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस किसके किससे हो जाएगा, ये नॉर्मल स्ट्रेन से हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है देख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट सैंपल लेंथ, ठीक है, पर यूनिट सैंपल लेंथ या शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन से अपन क्या निकालते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मोर स्पेसिफिकली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द कॉफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द शियरिंग फोर्स इन अ मटेरियल, मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिनोटेड बाई जी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, ये जी इक्वल टू टाउ अपॉन गामा, तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगी शियर स्ट्रेन से हो जाएगी, तो बी का हो जाएगा वन। अब देखते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है ये भी अपन देख चुके हैं फ्रेंड्स, बल्क मॉडुलस क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये किससे मैच करेगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, तो ए का क्या हो गया टू और बी का क्या हो गया वन और सी का क्या हो गया फोर्थ, पॉइजन रेशियो के क्या होगा ट्रांसवर्स स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो क्या होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए का टू ये हो गया, बी का वन और बल्क मॉडुलस सी का क्या होगा हमारा फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 472, इसमें पूछा है व्हेन अ थिन सिलेंडर ऑफ डायमीटर डी एंड थिकनेस टी इज प्रेशराइज्ड विद एन इंटरनल प्रेशर पी और 1/m क्या है पॉइजन रेशियो इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देन, तो थिन सिलेंडर के लिए अपन निकाल लेते हैं ये क्या होती है सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, ये क्या होती है पी डी अपॉन टू, इसी को अपन हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो पी डी अपॉन टू रहती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है सिग्मा एल क्या होती है पी डी अपॉन में 40, ठीक है, तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन क्या हो जाएगी एप्सिलॉन सी और एप्सिलॉन एच सिग्मा सी अपॉन में एप्सिलॉन सिग्मा सी अपॉन में ई माइनस में सिग्मा एल, ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस माइनस स्ट्रेन माइनस लेटरल स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे पी डी अपन टू टी ई माइनस में पी डी अपन फोर टी ई, फोर टी ई इंटू में एम, तो इससे कैलकुलेट करके क्या आ रहा है हमारा पी डी अपन फोर टी ई इंटू में टू माइनस वन अपॉन एम, ठीक है, और ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे तो ये कितना आता है पी डी अपन फोर टी ई इंटू में वन माइनस टू बाई एम हो जाएगा, म्यू की जगह वन बाई एम है तो वन माइनस टू बाई एम, ठीक है, और इनका दोनों का रेशियो निकालेंगे हुप स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का, तो ये कितना आ रहा है टू एम माइनस वन, वन माइनस टू बाई एम कैंसिल हो जाएगा बाकी पार्ट, वन माइनस टू बाई एम और ये एम माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा एम माइनस टू, अगर लॉन्गिट्यूडनल अपॉन में हुप स्ट्रेस निकालेंगे सरकमफेरेंशियल तो ये क्या हो जाएगा एम माइनस टू अपॉन में टू एम माइनस वन, तो देखते हैं ऑप्शन में सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन क्या आ रही थी हमारी पी डी अपॉन में फोर टी ई, अगर इसको बाहर लेके भी आते हैं तो भी हमारा क्या है ये गलत हो जाएगा पी डी अपॉन फोर टी ई माइनस में
इनटू में क्या आ रहा है, ये 2 माइनस 1 अपॉन एम, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आ रही है, वन पी डी अपॉन 40, 1 माइनस 1 बाई 2 एम, यहाँ पी डी अपॉन 40 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है, पी डी अपॉन 40, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है, दोनों का रेशियो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और सर्कमफेरेंशियल हुप स्ट्रेन का रेशियो है एम माइनस 2 अपॉन में 2 एम माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 473। इन अ थिक सिलेंडर प्रेशराइज फ्रॉम इनसाइड द हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम, हुप स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है, तो हुप स्ट्रेस क्या होती है थिक सिलेंडर्स में, ये होती है सिग्मा एच इक्वल टू पी वन आर वन स्क्वायर अपॉन में आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। आर वन आर टू क्या है, आर वन इंटरनल रेडियस है, आर टू क्या है आउटर रेडियस है, तो आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू में आर टू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर फ्रेंड, आर टू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में वन, ठीक है। और रेडियल स्ट्रेस जो होती है वो होती है हमारी, यहाँ पर क्या आ जाता है आर स्क्वायर माइनस में वन, ठीक है। तो ये R है, R की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे, अगर R की जगह R1 रखें तो R की जगह R1 रखा है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आता है P1, ये आ जाएगा P1 इंटू में R2 स्क्वायर प्लस में R1 स्क्वायर अपॉन में R2 माइनस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और ऐसे ही R की जगह R2 रखेंगे तो हमारा निकल के आता है P1 इंटू में 2R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली वैल्यू है, तो ये क्या है इंटरनल रेडियस है, इंटरनल रेडियस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा एट द इनर रेडियस, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 474। द यूलस क्रिपलिंग लोड फॉर ए 2 मीटर लॉन्ग सिलेंडर स्टील रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हिंज्ड एट बोथ एंड्स इज 1 किलोन्यूटन। यूलर क्रिपलिंग लोड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अगर एक स्टील रॉड है जो क्या है दोनों पॉइंट्स पर क्या हिंज है इस तरीके से, ये स्टील रॉड है और यहाँ पर क्या है ये हिंज्ड है, दोनों पॉइंट्स पर क्या है हिंज्ड है, तो इसमें जो लेंथ दी गई है पहले 2 मीटर दी गई है और जो क्रिपलिंग लोड पी ई की वैल्यू जो दी गई है वो क्या दी गई है 1 मीटर किलोन्यूटन दी गई है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये कि अगर क्रिपलिंग लोड जो है लेंथ क्या हो जाए 1 मीटर हो जाए तो क्रिपलिंग लोड हमें निकालना है उसके लिए, तो देख लेते हैं कैसे। ये होता है क्रिपलिंग लोड हमारा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल ई स्क्वायर, तो पाई हमारा कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, ओनली लेंथ क्या कर रही है चेंज हो रही है। लेंथ क्या है पहले केस में 2 मीटर दी है और क्रिपलिंग लोड 1 किलोन्यूटन दिया गया है, तो यहाँ से पी ई 1 अपॉन में पी ई 2 करेंगे तो ये एल ई 2 हो जाएगा, इन्वर्सली है तो एल ई 2 ऊपर हो जाएगा और एल ई 1, तो ये 1 अपॉन पी ई 2, पी ई 2 निकालना है, 1 कितना दिया है 1 दिया है और ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 किलोन्यूटन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 4 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 475। फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ प्योर शियर टाउ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलास्टिक होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल हैविंग इलास्टिक कॉन्स्टेंट ई एंड म्यू विल बी। तो प्योर शियर के केस में स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पूछा गया है कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी अंडर द प्योर टॉर्सन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार, तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है टी, तो इसका अगर डायग्राम बनाएंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा रेक्टेंगल, मतलब कांस्टेंट रहेगा टी, टी की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। स्ट्रेन एनर्जी अगर निकालेंगे तो क्या होती है हमारी टी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 2gj, ठीक है। तो यहाँ पर टी क्या है कॉन्स्टेंट है तो टी की वैल्यू रख दी यहाँ पर टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 2gj, तो यहाँ से निकल के आ रहा है टी स्क्वायर एल अपॉन में 2gj, ये स्ट्रेन एनर्जी निकल के आ गई। तो E की वैल्यू हमारी क्या होती है, E इक्वल टू होता है 2G इंटू में 1 प्लस म्यू, तो यहाँ से G की वैल्यू अपन ने निकाल ली, क्या हो गया E अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस म्यू, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे T इक्वल टू होता है पाई बाई 16 डी क्यू इंटू में टाओ, ये होता है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 16 डी क्यू इंटू में टाओ, दो बार लिख दिया पाई बाई 16 होगा तो 8 इंटू 2 कर दिया इसको डी क्यू इंटू में टाई टाओ, 2 को इधर ले आए तो ये क्या हो गया पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, ये डी क्यूब है इसको डी 4 कर दिया डी फोर इंटू में टाउ, टाउ क्या हो गया टाउ स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या कर दिया इसको पाई बाई 8 को पाई बाई 4 और डी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे पाई बाई 4 डी स्क्वायर कर दिया इंटू में 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 इंटू में टाउ स्क्वायर इंटू में ए बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे जो टी स्क्वायर एल अपॉन 2gj था उसमें,
तो टी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, ये वैल्यू आ गई इनटू में एल था अपॉन में, क्या आ जाएगा टू जी, जी की जगह ई अपॉन टू, ये आ जाएगा ई अपॉन टू इंटू में वन प्लस म्यू, और जे की जगह पाई बाई 32 इंटू में डी टू द पावर 4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ये ए इंटू एल क्या है हमारा, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या दिया है, पर यूनिट वॉल्यूम दिया गया है। तो यहाँ पे जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा और इंटू में ई, और ये क्या होगा 1 प्लस म्यू, ये ऊपर पहुँच जाएगा 1 प्लस म्यू। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, देखते हैं अब ऑप्शन में क्या दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, बुक में जो दिया गया वो ए दिया गया है, तो ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है होगा, इसका करेक्ट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।